आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम बड़े ही सुरीले शब्दों में लिया जाता है बड़ा गांव, जहां काफी अधिक आबादी है। इस गांव में एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर का वर्णन शिव पुराण में किया जाता है, जहां पर सावन हो या शिवरात्रि उस वक्त इस मंदिर में काफी संख्या में शिव भक्त भगवान भोले के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। यह मंदिर 12 महीने शिव भक्तों के लिए खुला हुआ रहता है। बता दें कि यह मंदिर पुत्र वरदान के लिए भी काफी मशहूर है। मंदिर को चारों तरफ से फूलों से सजाया हुआ है। भद्रेश्वर महादेव का मंदिर काफी प्राचीन है। कहते हैं कि इस गांव में एक किसान की एक गाय थी, इस स्थान पर प्रतिदिन दूध दिया करती थी, जिसके बाद किसान ने इस जगह पर अपनी गाय को पाया और देखकर अचंभा रह गया और क्रोध में आकर उस पत्थर को किसी हथियार से तोड़ दिया। जो पत्थर आज भी शिवलिंग के रूप में इस स्थान पर पूजा जाता है। काफी कहानियां प्रचलित है इस मंदिर के बारे में। इस क्षेत्र का यह जाना माना मंदिर है और हर दिन साधु महात्मा इस स्थान पर तपस्या करते हुए देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में बड़े बड़े भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। मुख्य सड़क से 0.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई पार करनी होती है इस मंदिर तक पहुंचने के लिए। सावन का महीना लगने को अब बस कुछ ही दिन बाकी है और तब इस स्थान पर काफी संख्या में भक्त दिखाई देंगे। काफी रहस्य छुपे हुए हैं इस मंदिर के भीतर। बड़ी बात तो यह है कि मंदिर में कई बार नाग देवता के दर्शन भी हो जाते हैं शिव भक्तों को। वहीं शिव भक्तों का कहना है कि उनकी मनोकामना इस स्थान पर हमेशा पूर्ण हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर भक्त मंदिर के भीतर भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई विशेषताएं हैं इस मंदिर की। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़ा गांव में, जहां पर भगवान भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। सावन के महीने में यहां पर इस मंदिर में काफी संख्या में भक्तजन यहां पर पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि में इस मंदिर में भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। पुराणों में इस मंदिर का वर्णन किया गया है और शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। काफी रहस्य छुपा है भद्रेश्वर महादेव के मंदिर के भीतर। पुत्र वरदान के लिए भी काफी मशहूर माना जाता है भद्रेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर। उत्तराखंड चमोली से देखिए नवीन भंडारी की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड खबर के लिए चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट।